जिले के तालझारी अंचल के अंतर्गत महाराजपुर कल्याणी मौजा के डाक संख्या 163 के निवासियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर एनएच के लिए अपने अधिग्रहित जमीन पर मकान को खाली करने के लिए 3 माह के अतिरिक्त समय देने की मांग की है। दर्जनों की संख्या में संग्रहालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें काफी कम मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि 1969 और 70 में भी बाढ़ के कारण उन्हें कल्याणी मौजा के डाक संख्या 163 में बंदोबस्ती कर बसाया गया था, जिसका पर्चा भी निर्गत है। तब से वहां की रसीद भी कटवा रहे हैं। क्षेत्र 28 मई 1993 को वन क्षेत्र घोषित किया गया, अभी तक बंदोबस्ती की डीड रद्द नहीं हुई है। ऐसे में हम लोग अभी भी वहां के रैयत हैं, और जब वहां राष्ट्रीय राजमार्ग बनना है तो उनकी जमीन का मुआवजा उसकी कीमत से ये कहते हुए कम दिया जा रहा है कि ये वन विभाग की संपत्ति है। अचानक 2 अगस्त को जारी जमीन खाली करने का नोटिस 4 अगस्त को दिया गया, जबकि नोटिस में अंतिम तारीख 4 अगस्त ही है। उन्होंने कहा कि अभी बरसात का मौसम है और ऐसे में हम कहां जाएंगे। बहरहाल ग्रामीणों ने उपायुक्त से जमीन के मुआवजे की राशि बढ़ाने और घर खाली करने के लिए 3 माह का समय मांगा है। साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। कटाव के चलते हम लोग को सरकार के द्वारा बसाया गया और सभी जमीन बंदोबस्त है और रजिस्टर 2 में भी हम लोग का नाम है, सब रसीद देते हैं। 21 में भी हम लोग रसीद कटवाए हैं। तो अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि बरसात के बाद ले और हमारा वाजिब मुआवजा दे। 1/4 मिल रहा है। 1/4 मिल रहा है? हाँ, 1/4 मिल रहा है। घर हटाने का थोड़ा समय है। और घर हटाने के लिए जो है तो छठ के बाद जो है तो घर हटाया जाए, नहीं तो हम लोग बरसात में कहाँ जाएंगे। उधर बाढ़ है, इधर जो है वर्षा है। कल की बात कह रहे हैं कि रेलवे के जमीन में प्रति जमीन में ईटा घर तोड़ के रखा और उसको कल शाम को पकड़ के ले गया रेल वाले। मुझे न मगर हम लोग को ईटा रखने के लिए जगह नहीं है। जहाँ जमीन लेंगे भी वहाँ घुंठना भर पानी है। अभी भी वहाँ गाड़ी ट्रैक्टर देवे नहीं करेगा। ठीक, बाद में कहाँ जाएंगे, गार्जियन नहीं है। अभी हम लोग घर तोड़ के पानी में कहाँ जाएंगे। हम लोग छठ पूजा के बाद अपना हटा लेते हैं। छठ पूजा गंगा जी भी बढ़ रहा है, अब बरसा रोज पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करें। छोटा छोटा बच्चा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, सांप बिच्छा जंगल झाड़ में निकल। तो आपको तो हटाने का नोटिस पहले भी दिया होगा ना? कहाँ दिया हम लोग का नोटिस? नहीं दिया कभी। नहीं दिया, अभी हम लोग का पैसा भी नहीं मिला। एक बार नोटिस आया खाली मुआवजा। छठ पर्व के बाद हम लोग घर खाली कर लेंगे, हम आप लोग चल जाएंगे सर। अभी बरसात के मौसम है सर, कहाँ जाएंगे सर। इसीलिए अभी घर नहीं खाली करेंगे। अभी बस यही खाली आप लोग? पानी उनी बरसात के दिन घर उद्वार कट रहा है सर। पैसा भी कम आया सर। कितना पैसा आया? कहाँ आया, 8-7 लाख रुपये में घर बनेगा सर। घर बनाएंगे। क्या नाम हो गया? चंदा देवी। हम लोगों का जो जमीन है मौजा कल्याणी 163 में, वो हम लोग 1969-70 से ही बंदोबस्त किया हुआ है। अपर समाहर्ता के द्वारा भू बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा पर्चा भी निर्गत किया हुआ है और वन विभाग इसमें 28/5/1993 को आया। तो उस आलोक में आने के बाद ना तो सेल डीड रद्द हुआ है, ना ही कुछ हुआ है, हूबहू वैसे ही चल रहा है। जब वैसे ही चल रहा है तो स्वाभाविक है वो वहाँ का हम लोग अभी भी रैयत है, तो रैयत है तो स्वाभाविक हम लोग को जो मुआवजा मिलना चाहिए 2 गुना 4 गुना का जो प्रावधान है वो मिलना चाहिए। तो मुश्किल से 1 गुना मिल रहा है, जो बहुत ही कम है। तो उस पर ठीक से उस पर विचार किया नहीं जा रहा है। उसके बाद अचानक बोला जा रहा है कि जो है आप लोग घर खाली करिए 4 तारीख तक, नहीं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे आप लोग, नहीं या तो एल ए कोर्ट दुमका आप लोगों का पैसा भेज देंगे। तो हम लोगों का मांग है तो पहले कि उचित समझा जाए हम लोगों को बात को, कि जो भी 2 गुना या 4 गुना है उस पर विचार किया जाए। प्लस अगर एल ए कोर्ट दुमका, ये भी आग्रह है कि एल ए कोर्ट दुमका अभी तुरंत ना भेजा जाए। हम लोग आर्बिट्रेशन भी करे हुए हैं, उस पर भी कोई लोगों ने विचार नहीं किया है। 3 महीना हो गया आर्बिट्रेशन को किए, उस पर भी लोग विचार नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बोल रहे हैं अभी तोड़ देंगे, क्योंकि परसों तरसों सुनने में आया कि बुलडोजर आदि भी लेकर जाया गया था। तो इस स्थिति में अगर वो एल ए कोर्ट दुमका भेजते हैं तो हम लोगों को परेशानी होगा। प्लस बोल रहे हैं तुरंत हटाइए,
तुरंत हटाइए। तो अभी बाढ़ का समय है, बरसात हो रहा है, तो इसमें कम से कम हम लोग को 2-3 महीना 4 महीना का समय भी मिलना चाहिए ना। क्या नाम हो गया? जितेंद्र कुमार।